फ्रेंड्स, आज के वीडियो में 24 चैनल हैप्पीनेस का जो फायरिंग सिस्टम है उसके बारे में जानकारी दूंगा, पेयरिंग प्रोग्रामिंग उसको यूज कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। तो यदि आप प्रोफेशनल लेवल में और आपको काम मिला है, प्रोफेशनल लेवल से ज़्यादा आप कोई स्टेज शो या इवेंट कॉन्सर्ट का काम मिला है, उसके लिए इस तरह से मशीन लगती है। ये ऑरेंज वाला ये रिमोट है, ये ब्लैक वाला है रिसीवर है, इसको रिसीवर बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं, और ये रिमोट है। तो इस तरह से आता है एक रिमोट के साथ में अनेक, मतलब यहाँ पे 100 मॉड्यूल आप कनेक्ट कर सकते हैं, 100 रिसीवर कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट कैसे करना ये बताऊंगा। तो इसको खोल के देखते हैं। तो देखिए, खोल के देखने के बाद इसमें एक चार्जर आता है जो कि अडाप्टर है, इंग्लिश पिन वाला है। यहाँ पे कन्वर्टर लगा के इंग्लिश पिन इसको चेंज कर सकते हैं। ये 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का अडाप्टर रहता है। एक चाबी आती है, चाबी से इसको यहाँ पे टेस्ट और फायर को चेंज कर सकते हैं। दो चाबी रहती है इसमें, देखिए इस तरह से ये यहाँ पे चाबी लग जाती है, इसको इधर उधर घुमाने से टेस्ट हो जाएगा। एक एंटीना है, एंटीना यहाँ पे लग जाएगा, हमें रेंज बढ़ाने के लिए एंटीना की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और यहाँ हम एंटीना को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ एंटीना, इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी रहती है, तो बैटरी से ये शुरू हो जाता है। पर यदि हमें बैटरी एक्सटर्नल चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट है, इसको लूज टाइट करके यहाँ पे हम एक्सटर्नल बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं। यदि ज़्यादा हमको पावर चाहिए उसके लिए, या बैटरी हमारी अभी काम नहीं कर रही उसके लिए हम एक्सटर्नल बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जिसे निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पे एक चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, और इसको अभी ऑन कर देते हैं। अभी ऑफ कंडीशन में, ऑन करने पे यहाँ पे लाइट लगता है, तो ये कनेक्ट मतलब ओके कंडीशन में है। अभी ये रिसीवर है, रिसीवर को मैंने दिखा दिया, अभी ये रिमोट है, ऑरेंज वाला रिमोट है। तो इसको खोलते हैं, जैसे खोलने पे यहाँ पे दिखाई देगा हैप्पीनेस कंपनी का फायरिंग सिस्टम। इस तरह से इसकी मैनुअल आती है, और इसमें तीन चीज़ें आती हैं, जैसे ये एंटीना आता है, ये एलईडी लाइट आता है, और इसका ये अडाप्टर आता है, और इसका ये बुकलेट है, मैनुअल है, मैनुअल में सारा चीज़ लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, या मैं इसका स्क्रीन, इसका फ़ोटो निकाल के सभी मैं इसमें कैटलॉग के इसमें भेज दूंगा मैं आपको। देख सकते हैं इस तरह से हैं, 0 से लेके 99 तक इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं रिसीवर्स को, जितने चाहिए जितने रिसीवर को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। तो चलो, ये एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट को यहाँ पे हम रात के जी शो है आपका, तो उस समय उजाले के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से एलईडी लाइट है ये, और इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। और जैसे इसको ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पे लैंप उसका ऑन हो गया है। हमें रात में ये रिमोट का यूज़ करना है, तो उसके लिए पावर चाहिए, तो ये यहाँ यूएसबी वाला एलईडी लाइट शुरू हो जाएगा। दूसरा ये है एंटीना, एंटीना यहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर एक चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, तो चार्जिंग से उसको चार्ज कर सकते हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। हैप्पीनेस फायरिंग सिस्टम BDR02X इसका मॉडल नंबर है। तो ये रिमोट के साथ में हम 10-15 जितने हमें रिसीवर कनेक्ट करना है, मॉड्यूल कनेक्ट करना है, मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं। अभी ये बटन है, बटन को बंद कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक ये ऑन वाला बटन है, उसके बाद में 13 नंबर से लेके 24 नंबर तक ये दो बटन दी गई है, ऑन ऑफ की बटन है जैसे। और यहाँ पे टाइमिंग के लिए, जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं ये टाइमिंग के लिए है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर चेंज होते हैं, जैसे मैं वहाँ पे 1 दबा रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए है, डिस्ट्रिक्ट को डिनोट करता है, मतलब हमें कितने रिसीवर चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट पे ये कनेक्ट हो जाएंगे। ये इस तरह से ये रिसीवर आता है, हमें एक फायर करना है तो 1 से लेकर 24 तक 1 बाय 1 फायर कर सकते हैं। हमें ज़्यादा फायर करना है, टाइम के अनुसार फायर करना है, ये भी कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरा समझ लेंगे इसको। अभी ये रिमोट है और रिसीवर है, ये दो अलग अलग है, हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए इसको हम जो चाबी है उसको टेस्ट मोड पे लाएंगे। एक रिमोट है जो रेड वाला इंडिकेशन या फायर मोड में रहता है, और एक टेस्ट मोड में होना चाहिए। और जैसे इसको पेयरिंग करना है, तो पेयरिंग करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट कोड है, इसको 8 नंबर पे शिफ्ट करना है। देखिए इसको 8 नंबर पे है, और 8 नंबर पे लाने के बाद इसको भी 8 नंबर पे शिफ्ट करना है। देखिए इसको 8 नंबर पे शिफ्ट करना है, 8 नंबर, दोनों 8 नंबर पे होने के बाद इसका 1 नंबर बटन और इसका ये स्टडी बटन, इसको कंटिन्यू प्रेस करना है तो ये पेयरिंग हो जाएगा। तो ये दोनों बटन को हम एक साथ प्रेस करते हैं, तो एक साथ जैसे प्रेस करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है। देखिए अभी 1 नंबर के बटन को मैं प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे 1 नंबर का लैंप लगना चाहिए। देखिए यहाँ पे अभी आपको रिमोट का है नज़दीक ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए 1 नंबर के बटन को प्रेस करता हूँ,
देखिए यहाँ पे एक नंबर का लाइट शुरू होता, दो नंबर से दो नंबर, तीन से तीन, चार, पाँच, छः, देखिए ये सब वन बाय वन यहाँ पे लैंप लग रहे हैं। सभी के सभी लगे हैं और अभी हमें यहाँ पे बटन शुरू है और देख सकते हैं ये ऊपर की कंडीशन में ऑन रहता है और नीचे की कंडीशन में ऑफ रहता है। देखिए आप समझने के लिए इसको नीचे प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, मैं ऊपर प्रेस करता हूँ तो ऑन हो जाएंगे। अभी हमें इसमें जो टाइमिंग डिले है ये 0.0 सेकंड है, मतलब ये क्विक स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो फायर ऑल हो जाएंगे, एक साथ 24 चैनल फायर हो जाएंगे। तो इसको प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं जैसे प्रेस कर दिया तो 24 चैनल फायर हो गए। अभी हमें वन बाय वन सबको फायर करना है टाइम डिले, तो मैं इसमें 5 सेकंड का डिले कर देता हूँ, 0.5, इसमें 0.5 सेकंड डाल दिया। तो इसमें जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो 0.5 सेकंड से वन बाय वन फायर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको जैसे प्रेस कर देता हूँ, देखिए 1 हो गया 2 3 4, देखिए सिक्वेंस से ये फायर हो रहे हैं जैसे हमने उसमें टाइम फिट किया है। देखिए 24 चैनल तक फायर हो गया है और जैसे हमें 12 फायर करना है तो इसको जैसे बंद कर दूंगा तो 12 को यदि फायर करना है तो इसको प्रेस करूंगा मैं तो देखिए 12 तक फायर हो जाएंगे, 12 के बाद में फायर नहीं हो गए। इस तरह से ये 12 तक फायर हो गए और अभी हमें 12 तक ऑल फायर करना है तो इसको क्या क्या करेंगे हम 0 पे करेंगे। देखिए 0-0 पे सेट कर दिया और उसके बाद में ये 1 से लेकर 12 तक जैसे प्रेस करूंगा तो फायर हो जाएंगे। देखिए इस बटन को प्रेस करता हूँ, 12 फायर हो गए। तो इस बटन से 1 से लेकर 12 तक और इस बटन से 12 से लेकर 24 तक फायर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया है, अभी टाइम डिले हम जितना चाहिए उतना अपने मर्जी से हम उसको सेट कर सकते हैं, हमारे जैसे रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने 1 पे सेट कर दिया, 1.0 सेकंड पे, और इसको प्रेस कर देता हूँ, जैसे ऑल वाले को प्रेस कर देता हूँ तो देखिए ये जैसे हमने टाइम उसमें 1 सेकंड डाला था तो उस हिसाब से ये फायर हो रहे हैं। देखिए अभी हमने सेटिंग जैसे 8 नंबर डिस्ट्रिक्ट पे 1 की सेटिंग किया है, हमें यदि चेंज करना है, देखिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ 7 करता हूँ, देखिए यहाँ 7 कर दिया और यहाँ पे भी मैं 7 कर देता हूँ, जैसे दोनों पे 7 कर दिया है और इसका मैं बटन को प्रेस कर देता हूँ, देखिए 0-0 पे सेट कर दिया। जैसे मैं इसको प्रेस कर देता हूँ तो ये सभी के सभी एक साथ शॉर्ट हो जाएंगे, फायर हो जाएंगे। देखिए इसको प्रेस कर देता हूँ, देखिए सारे के सारे शॉर्ट हो गए। तो हम इसको डिस्ट्रिक्ट को चेंज करके अलग अलग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और जैसे हमें 7 नंबर पे हम अलग अलग रिसीवर भी कनेक्ट कर सकते हैं, बढ़िया है। और ये वायरलेसली काम करता है, हमें पायरो, पेपर शॉट, कन्फर्टी और बड़े बड़े कॉन्सर्ट में जैसे सीक्वेंस में स्काई शॉट शुरू करना पड़ता है तो स्काई शॉट के लिए, माइंड स्टेन्स के लिए बढ़िया यूनिट है, होलसेल रेट में मिल जाता है। आप एक ही रिमोट से आप 10-15 आप ये रिसीवर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक इंडिकेटर कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, जैसे इंडिकेटर है तो इंडिकेटर को कनेक्ट करने पर हमें पता चलेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिसीवर है तो देख सकते हैं कुछ भी लाइट नहीं दिख रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ये लैम्प इंडिकेटर लैम्प का काम करेगा। आप जो देख रहे हैं हमने टेस्ट इंडिकेटर यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, यहाँ 6 इंडिकेटर कनेक्ट किए हैं और एक एक यहाँ पे इंडिकेटर कनेक्ट किए हैं। इसको लाइव टेस्ट करने के लिए यदि इंडिकेटर शुरू हो जाता है, इसका रोशनी बढ़ जाती है तो हमारा ये पेयरिंग हो गया है और यहाँ फायर करेगा, ये इसका प्रूफ है। तो हमने यहाँ पर ये सीक्वेंस वाला जो स्विच है हमने ऑन कर दिया है, ऊपर की तरफ ऑन रहता है, नीचे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं इंडिकेटर बंद हो गया, मतलब ये ऑफ हो गया। अभी 1 नंबर की बटन को प्रेस करने से 1 नंबर शुरू हो जाएगा और यहाँ पे हमने डिले 0-0 रखा है तो इसको 1 नंबर की बटन को प्रेस कर दीजिए, देखिए 1 नंबर शुरू हो जाएगा। देखिए 1 नंबर शुरू हो जाता है, 2 से 2 शुरू हो जाता है, 3 से 3 शुरू हो जाता है, 4 5 6, उसके बाद में ये 7 पे कनेक्ट किया है, देखिए 7 नंबर पे, ये 13 नंबर पे कनेक्ट किया है, ये 19 नंबर पे कनेक्ट किया है और ये 24 नंबर पे कनेक्ट किया है। अभी हमारा जो टाइम डिले है ये 0.0 सेकंड पे है तो ऑल वाले बटन को प्रेस करेंगे तो सारे के सारे शुरू हो जाएंगे। इसको प्रेस कर देते हैं तो रेडी, जैसे देखो इसको प्रेस कर दिया तो सारे के सारे शुरू हो गए। यहाँ पर इसका इंडिकेशन भी चेंज होता था जैसे शुरू कर देता हूँ, और जैसे हम इसमें डिले कर देते हैं, जैसे 0.5 सेकंड का डिले कर देता हूँ मैं और इसको प्रेस कर देते हैं तो एक वन बाय वन शुरू हो जाएंगे, देख सकते हैं।
इस तरह से ये सारे के सारे शुरू हो गए। बढ़िया है, मशीन को आप लेके इवेंट को बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। स्काई शॉट का एक मशीन से आप अनगिनत काम कर सकते हैं। यूनिवर्सल है, बढ़िया है, इसको लॉक भी कर सकते हैं। जैसे आपको फ्रेंड इसको जब चेक करना है तो इसको टेस्ट मोड है, टेस्ट मोड पे इसको शुरू कर सकते हैं, इंडिकेटर शुरू हो जाएंगे। और जैसे फायर मोड पे कर देते तो 12 वोल्ट यहाँ पे फायर 12 वोल्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे फायर हो जाएंगे। तो टेस्ट मोड फायर करने के पहले हम चेक कर सकते हैं हमारा सिस्टम बराबर काम कर रहा क्या। इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।